हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियोस में हमने अमीनो एसिड्स के बारे में पढ़ा था। अमीनो एसिड्स तीन तरीके के पढ़े थे, असेंशियल, नॉन असेंशियल और सेमी असेंशियल। नेक्स्ट वीडियो में हमने उसका क्लासिफिकेशन देखा था, उसके स्ट्रक्चर के बेसिस पर वो उनका तीन भागों में उसको क्लासिफाई किया गया था, एलिफेटिक, एरोमेटिक, हेट्रोसाइक्लिक, फिर उसको भी आगे उसका भी डिविजन था। आज हम ज़ेटर आयन के बारे में पढ़ेंगे। तो अमीनो एसिड्स जो हैं ये कलरलेस कंपाउंड्स हैं, कलरलेस सॉलिड कंपाउंड्स हैं। ये क्रिस्टलाइन होते हैं, वाटर में, पानी में घुल जाते हैं, एसिड्स में भी डिसॉल्व हो जाते हैं, एल्कलीज में भी डिसॉल्व हो जाते हैं, बट दे आर स्पेयरिंगली सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। क्योंकि ये चार्ज्ड हैं, अमीनो एसिड में सेम मॉलिक्यूल में अमीनो और कार्बोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट रहता है, तो कार्बोक्सिल ग्रुप का हाइड्रोजन अमीनो ग्रुप से आके जुड़ जाता है, अमीनो ग्रुप का पॉजिटिव चार्ज और उधर नेगेटिव चार्ज हो जाता है। इस वजह से इसको हम ज़ेटर आयन या डाइपोलर आयन भी कहते हैं। ऐसे मॉलिक्यूल जिसमें दोनों ही चार्ज रहते हैं तो उसको हम डाइपोलर या ज़ेटर आयन कहते हैं, या ऐसे भी कह सकते हैं ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एन एसिडिक और बेसिक ग्रुप इन द सेम मॉलिक्यूल मोस्ट ऑफ द अमीनो एसिड्स आर न्यूट्रल एंड एग्जिस्ट लार्जली एज डाइपोलर और ज़ेटर आयन। इनको इनर सॉल्ट्स भी कहते हैं, इन विच प्रोटॉन फ्रॉम द कार्बोक्सिल ग्रुप हैज बीन ट्रांसफर टू द अमीनो ग्रुप एंड दस अ डाइपोलर आयन कंटेनिंग बोथ अ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज इज फॉर्म्ड। तो ऐसे मॉलिक्यूल को हम ज़ेटर आयन या डाइपोलर आयन कहते हैं। ये अमीनो एसिड है, इसमें देखेंगे कार्बोक्सिल ग्रुप पर जो हाइड्रोजन है वो अमीनो ग्रुप पे ट्रांसफर हो गया है, अब उस पर नेगेटिव कार्बोक्सिल पर नेगेटिव चार्ज, अमीनो पर पॉजिटिव चार्ज आ गया है। ये है ज़ेटर आयन। इसको देखते हैं जो पीएच वैल्यू 6 पर कार्बोक्सिल ग्रुप अमीनो एसिड्स का जनरली नेगेटिवली चार्ज हो जाता है और अल्फा अमीनो ग्रुप पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है। अब देखेंगे मॉलिक्यूल पे साइमल्टेनियसली नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज दोनों हैं और उस पर कोई भी नेट चार्ज नहीं है, देयर इज लिटिल और यू कैन से लिटिल और नो नेट चार्ज। Such ions are termed as ज़ेटर ions or dipolar ions। एक बात को ध्यान रखिए बच्चों, एक आपने नाम सुना होगा आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट, तो आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट भी इसी से ही डिफाइन कर सकते हैं। द पॉइंट एट विच द मॉलिक्यूल हैज इक्वल पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज इज टर्म्ड एज आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट। आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट का क्या मतलब होता है? At this point, the amino acid does not migrate in the electric field। अगर हमने इसकी pH को 6 के कम कर दें तो COH group का ionization कम हो जाता है, it ceases to be ionized and the molecule gets positive charge। तो उस पे positive charge आ जाता है। अब हम अगर इसकी pH को बढ़ा दें तो NH3 group डिसोसिएट हो जाता है और इस ये एक प्रोटॉन को लूज कर देता है और अब ये NH2 फॉर्म में आ जाता है, NH2 फॉर्म में आ जाता है तो द मॉलिक्यूल एज ए होल दस गेट नेगेटिव चार्ज। अब CO पर नेगेटिव चार्ज रहता है बिकॉज ऑफ द नेगेटिव चार्ज ऑन द COO ग्रुप। अगर हम इसको देखें तो इस तरीके से अमीनो एसिड है, इस तरीके से इसको लिख सकते हैं। ये है ज़ेटर आयन, दोनों चार्ज है उस पर, नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों ही चार्ज है। ये है इंटरमीडिएट
पीएच वैल्यूज, न्यूट्रल चार्ज, अब इसमें हम पीएच को एक साइड कम करेंगे और एक साइड इसकी पीएच को बढ़ाएंगे। हमने इस साइड इसकी पीएच कम करी लोअरिंग, ऑफ पीएच पीएच कम की है। पीएच कम करने पर सॉल्यूशन में हाइड्रोजन आयन ज्यादा हो जाएंगे और ये COOH ग्रुप से जुड़ जाएगा। अब ये मॉलिक्यूल पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। लोअरिंग ऑफ पीएच, मॉलिक्यूल हैविंग पॉजिटिव चार्ज। अगर हम इसकी पीएच बढ़ा दें, रेजिंग ऑफ पीएच, पीएच बढ़ाने पर अब सॉल्यूशन में हाइड्रोक्सिल आयन ज्यादा होंगे, वो अमीनो ग्रुप से एक हाइड्रोजन को ले लेंगे। अब यहां पर अमीनो ग्रुप से नहीं, COO ग्रुप से एक हाइड्रोजन माइनस कर लेंगे। अब ये पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा मॉलिक्यूल हैविंग यहाँ पर लोअर करने पर मॉलिक्यूल पॉजिटिव चार्ज और पीएच बढ़ाने पर मॉलिक्यूल नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा, क्योंकि COOH ग्रुप का जो हाइड्रोजन है, COOH ग्रुप का हाइड्रोजन सॉल्यूशन में OH ज़्यादा होने की वजह से यहाँ से हाइड्रोजन लूज हो जाएगा। नाउ मॉलिक्यूल इज नेगेटिवली चार्ज। इस कंडीशन में अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड में अमीनो एसिड के सॉल्यूशन को रखेंगे तो पॉजिटिवली चार्ज अमीनो एसिड कैथोड की तरफ जाएंगे और ये नेगेटिवली चार्ज एनायन हो गए, ये एनोड की तरफ मूव करेंगे। तो ज़ीटर आयन है ऐसे मॉलिक्यूल जिसमें नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज एक ही मॉलिक्यूल में होते हैं, उनको हम ज़ीटर आयन, डाइपोलर आयन या इनर सॉल्ट कहते हैं। ज़ीटर आयन की बच्चों खासियत होती है, जैसे इनके मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होते हैं, ये पानी में घुल जाते हैं और ईथर और अदर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में ये नहीं घुलते हैं, इनसॉल्युबल रहते हैं। और अमीनो एसिड्स के सॉल्यूशंस का डाइइलेक्ट्रिक पॉइंट हाई होता है, डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हाई होता है। और स्पेक्ट्रोस्कोपिक स्टडीज से हमने ये देखा गया है कि इसमें फ्री कार्बोक्सिल और फ्री अमीनो ग्रुप की वजह से जो वाइब्रेशन पीक आनी चाहिए, वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसीज होनी चाहिए, वो इसमें एब्सेंट रहती हैं। और इस जो ज़ीटर आयन है ये एक्सप्लेन करते हैं डिफरेंट इलेक्ट्रोलिटिक बिहेवियर को डिफरेंट मीडिया में, अमीनो एसिड्स के डिफरेंट मीडिया में डिफरेंट इलेक्ट्रोलिटिक बिहेवियर को शो करते हैं। जैसे एसिडिक सॉल्यूशन में अमीनो एसिड प्रोटोनेटेड डेरिवेटिव की तरह बिहेव करता है और ये कैथोड की तरफ माइग्रेट करता है, जबकि एल्कलाइन सॉल्यूशन में वही अमीनो एसिड एनायन की तरह बिहेव करता है। इसमें देखेंगे एनायन की तरह बिहेव कर रहा है और एनोड की तरफ माइग्रेट करता है। अगर हम अमीनो एसिड्स की टाइट्रेशन करते हैं बेस के साथ,
तो उसमें बेस के साथ टाइट्रेशन करने पर NH3 ग्रुप है इसका न्यूट्रलाइजेशन होता है और COH ग्रुप का न्यूट्रलाइजेशन नहीं होता है। सिमिलरली अगर हम अमीनो एसिड की टाइट्रेशन एसिड के साथ करेंगे तो ये COO ग्रुप को न्यूट्रलाइज करता है और NH2 ग्रुप को न्यूट्रलाइज नहीं करता है। इस तरीके से जीटर आयन की वजह से अमीनो एसिड्स में की सॉल्युबिलिटी ज़्यादा हो जाती है, वाटर में ज़्यादा सॉल्युबल है जबकि ऑर्गेनिक सॉल्वेंट पे सॉल्युबल नहीं है। वाटर क्योंकि पोलर सॉल्वेंट है तो पोलर सॉल्वेंट नेचुरली जो आयनिक कंपाउंड्स हैं उनको अपने में डिसॉल्व करता है। मेल्टिंग पॉइंट भी इसी वजह से इसके ज़्यादा है। इसके अलावा ये इलेक्ट्रिक फील्ड में इसमें आयंस का मूवमेंट होता है। दैट्स ऑल अबाउट जीटर आयन।